रिलायंस के लिए एक और खुशखबरी की बात सामने आ रही है। अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 2.5% हिस्सेदारी खरीद सकती है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट RIL के साथ बातचीत कर रही है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट अपने डिजिटल पेमेंट सेवा को लेकर कई इंडस्ट्रीज प्लेयर्स के साथ बातचीत कर रही है। रिलायंस के साथ बातचीत में माइक्रोसॉफ्ट ने जियो प्लेटफॉर्म्स की 2.5% हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट $2 बिलियन यानी करीबन 15,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही जियो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई है और वे अपनी इस भागीदारी को और मजबूत करना चाहती है। हालांकि इस बात की अभी कोई गारंटी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट जियो प्लेटफॉर्म में निश्चित तौर पर निवेश करेगी ही। आपको बता दें, इसी साल फरवरी में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की थी। इस पार्टनरशिप के तहत रिलायंस जियो पूरे देश में डेटा सेंटर स्थापित करेगी। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की Azure की सेवा ली जाएगी। हालांकि इस संभावित निवेश को लेकर माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो को अब तक 17.12% हिस्सेदारी के लिए 78,562 करोड़ रुपए का निवेश मिल चुका है। इसमें फेसबुक का 43,574 करोड़ रुपए, सिल्वर लेक का 5,656 करोड़ रुपए, विस्टा इक्विटी का 11,367 करोड़ रुपए, जनरल अटलांटिक का 6,598 करोड़ रुपए और KKR का 11,367 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। निवेश के लिहाज से देखा जाए तो RIL का जियो प्लेटफॉर्म्स अमेरिकी कंपनियों की पहली पसंद बना हुआ है। यही कारण है कि अभी केवल अमेरिकी कंपनियों ने ही जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की घोषणा की है। अभी तक निवेश करने वाली फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक और KKR एंड कंपनी सभी अमेरिकी हैं। अब अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी निवेश करने की इच्छा जताई है। आपको बता दें, मार्च तिमाही के अंत में रिलायंस पर 3,36,294 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया था। उस समय कंपनी के पास 1,75,259 करोड़ रुपए की नकदी थी। कर्ज को नकदी के साथ एडजस्ट करने के बाद कंपनी का नेट कर्ज 1,61,035 करोड़ रुपए था। कंपनी पर जो कर्ज बकाया है उसमें से 2,62,000 करोड़ रुपए का कर्ज रिलायंस के बैलेंस शीट पर है और 23,000 करोड़ का कर्ज जियो पर है। दरअसल मुकेश अंबानी ने पिछले साल अगस्त में रिलायंस को मार्च 2021 तक नेट आधार पर कर्ज मुक्त कंपनी बनाने का लक्ष्य तय किया था। निजी इक्विटी निवेश और सऊदी अरेमको सहित कई और कंपनियों को हिस्सेदारी बेचे जाने से कर्ज मुक्त का लक्ष्य इस दिसंबर में ही पूरा होने की उम्मीद दिखने लगी है और जल्द ही रिलायंस जियो कर्ज मुक्त हो भी जाएगी।